यहाँ पर हमें किसकी गणना करनी है? स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? स्थितिज ऊर्जा की। कार्यवय दिया गया है, जो हमारा छड़ चुम्बक है, छड़ चुम्बक को हमने रखा कहाँ है? समरूप चुम्बकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो दो प्रकार की स्थितियाँ याद करनी है। एक तो हमारी कौन सी स्थिति होती है? मानक स्थिति होती है। और दूसरी कौन सी स्थिति होती है? वर्तमान स्थिति होती है। इन्हीं दोनों स्थितियों से किसकी परिभाषा बन जाएगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बन जाएगी। तो जो वर्तमान स्थिति होती है, वर्तमान स्थिति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। और मानक स्थिति यानी क्या हो जाएगी? 90 या फिर इसी की जगह कभी कभी क्या लिख देंगे हम? पाई बटे दो। एक ही मतलब है, या पाई बटे दो लेके चले यहाँ पे हम क्या लिख दें? 90 लिख दें। तो ये दो स्थितियाँ हमें आनी चाहिए। मानक स्थिति आपकी कितनी होती है? 90 डिग्री। और जो वर्तमान स्थिति होती है ये कितनी हो जाएगी? थीटा। या फिर यहाँ पे आप सीधा लिख देंगे कि अपन एक सीख लें तो दूसरी अपने आप याद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वर्तमान स्थिति को 90 कहते हैं या इसको मानक स्थिति को 90 कहते हैं। तो आज यदि आप एक को याद करके रखेंगे कन्फर्म, तो आपकी जो दूसरी स्थिति है वो आप थीटा उसको लिख देंगे। गणना हमें किसकी करनी है? स्थितिज ऊर्जा की। तो किसी दंड चुंबक में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो उसे किसी मानक स्थिति से, माने कितनी दी गई है? 90 या पाई बटे दो। मानक स्थिति से हमें वर्तमान स्थिति में घुमाना, जो हमारा छड़ चुम्बक है इस छड़ चुम्बक को हमें कहाँ से घुमाना है? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में घुमाना है। माने मानक स्थिति जो आपकी 90 डिग्री रहेगी, उस स्थिति से हम इस छड़ चुम्बक को कहाँ पे लाएंगे? वर्तमान स्थिति तक लाएंगे, यानी थीटा तक लाएंगे। तो घुमाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। माने घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। और ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो वो किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर होती है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, एक व्यंजक पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय और एक गतिज ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय जब हम निकालते हैं वो गतिज ऊर्जा प्रमेय की सहायता से ही निकालते हैं, उसी को जब हम आगे सॉल्व कर देते हैं तो आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय आ जाती है। तो वहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं कि जो W बराबर होता है वो क्या होता है? U होता है, या फिर अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा। तो हम सीधा याद करके रखें कि जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। और ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा के लिए लिखेंगे, किसी छड़ चुम्बक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम लिखेंगे चित्र की भाषा लिखेंगे। ये तो हमारी स्थितिज ऊर्जा के लिए डेफिनेशन हो गई। समरूप चुंबक के क्षेत्र के लिए माना NS क्या? एक छड़ चुम्बक है जो चुम्बकीय, जिसका चुम्बकीय आघूर्ण कितना दिया गया है? कैपिटल M दिया गया है। क्षेत्र समरूप चुंबक के क्षेत्र B में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर कार्य करने वाला बल का आघूर्ण टाउ बराबर क्या निकला था हमारा? MB साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण नंबर 1। बल्युम का आघूर्ण तो लगेगा ही, क्योंकि दोनों सिरों पर क्या काम कर रहा है? MB बल कार्य कर रहा है। अब इसके आगे जब हम इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। माना कि स्थिति से वर्तमान स्थिति में ला रहे हैं, यानी कुछ काम कर रहे हैं। अल्प कोण ही घुमाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। अल्प कोण के लिए हम क्या लिख देते हैं? डी थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। और कार्य के लिए हम क्या लिखेंगे? DW। जब अल्प कोण घुमाएंगे तो जो कार्य करेंगे वो भी कैसा करेंगे? अल्प ही करेंगे, यानी कम करेंगे। तो DW हो जाएगा बराबर बल। बल कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे? प्रत्यानयन बल काम कर रहा है। इस कारण यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टाउ। विस्थापन के लिए हम क्या लिख देंगे? डी थीटा लिख देंगे। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 1 से हम टाउ का मान कहाँ पर रख देंगे? समीकरण 2 में। पिछले जैसा है अभी तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? DW बराबर MB, यहाँ पे हम लिख देंगे MB साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? डी थीटा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इतना हमारा कार्य ऊर्जा में भी था, पिछले वाले में भी था, जब हम कार्य की गणना कर रहे थे उतना ही हमारा इसमें था। दोनों में परिभाषा सेम ही लिखते हैं, यहाँ तक सेम कहते हैं बस थोड़ा सा। और सेम कह रहे थे कि अल्पकोण थीटा घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर रहे थे। यहाँ पे हम छड़ चुम्बक को मानक स्थिति से कहाँ तक ला रहे हैं? वर्तमान स्थिति तक ला रहे हैं। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ला रहे हैं। तो जो समाकलन लिया जाएगा वो कहाँ से लिया जाएगा? 90 से लेकर के थीटा तक, क्योंकि ला कहाँ से रहे हम? मानक से वर्तमान से। तो यहीं से हम लेंगे 90 डिग्री से थीटा तक। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे जो समीकरण नंबर हमारा 3 दिया गया है,
समीकरण तीन का क्या करने पर, समाकलन लेने पर। तो यहाँ पे हम समाकल का क्या कर लेंगे, चिन्ह बना लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर समाकल कहाँ से लेंगे हम, 90 से लेकर के थीटा तक। समाकलन लिखा नीचे से ऊपर की हो जाता है और लिया ऊपर से नीचे की हो जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो छड़ चुम्बक है इसको हम मानक, यहाँ पे मानक स्थिति से कहाँ पे ले जा रहे हैं, वर्तमान स्थिति तक। तो समाकलन एक हम कहाँ से लिखेंगे, 90 से थीटा तक। और बाकी का हम ये कैसा लिख देंगे, पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, 90 की जगह पाई बटे दो भी लिख सकते हैं, दोनों आपके एक ही हैं, समान ही होगा। यहाँ पे एम बी का एम बी हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा इंटू, यहाँ पे हम डी थीटा का क्या लिख देंगे, डी थीटा लिख देंगे। इसका समाकलन जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इसमें से बाहर अभी हमने क्या निकाला था, एम बी, फिर से हम बाहर क्या निकाल लेंगे, एम बी निकाल लेंगे। समाकलन का हम क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे, नीचे क्या लिख देंगे 90, ऊपर क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा अब आपका शेष, साइन थीटा इंटू क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन लेना है। तो समाकलन लेने के लिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, W का क्या दिया गया है, W दिया गया है, बराबर एम बी का क्या दिया गया है, एम बी दिया गया है। अब यहाँ पे आपका फिर से क्या आ गया है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी हम लिखे हुए थे साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो समाकलन निकलता है वो क्या निकलता है, माइनस के कॉस थीटा निकलता है। ले कहाँ से रहे हैं समाकलन, 90 से थीटा, तो नीचे क्या लिख देंगे 90, ऊपर क्या लिख देंगे हम थीटा। अब W का हमारा W ही रहेगा, एम बी का एम बी ही रहेगा, माइनस कॉच, ये माइनस ये वाला है, ठीक है, आगे वाला माइनस कॉच। अब हमें ऊपर की संख्या को लिखना होता है, तो यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया है, थीटा। ये माइनस किसका लग गया है, सूत्र का लग गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस कॉच, और नीचे क्या दिया गया है, 90 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 90, और ये आपका कोष्टक बंद हो जाएगा। W का W हो जाएगा, एम बी का एम बी हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कॉस 90 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कॉस 90 के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो कॉस 90 का मान होता है ये कैसा होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, एम बी माइनस कॉस थीटा प्लस जीरो। जीरो को जोड़ेंगे कुछ नहीं रहेगा आपका, वही का वही आ जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एम बी, अंदर क्या बचेगा हमारा, माइनस के कॉस थीटा। माइनस के कॉस थीटा को हम आगे माइनस का चिन्ह कहाँ पे लगा देंगे, आगे लगा देंगे। तो क्या बचेगा हमारा, W बराबर माइनस के एम बी कॉस थीटा। W बराबर क्या आ गया, W बराबर माइनस का चिन्ह आगे लिख दिया है और एम बी कॉस थीटा का एम बी कॉस थीटा लिख दिया गया है। ये किसकी गणना हुई है अभी, कार की। W बराबर चल रहा है, W को हम क्या किससे प्रदर्शित कहते हैं, कार से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि जो W होता है ये किसके बराबर होता है, U के। माने जो कार होता है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो अगले स्टेप में जहाँ पे W है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। तो क्या निकल आएगा, U बराबर माइनस के एम बी कॉस थीटा। ये हमारी किसकी गणना हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा की गणना हो जाएगी।